Now I am going to explain the long question and answer of this chapter. And the first question is, what are the four main stages of a plant's life cycle? कि एक प्लांट के लाइफ साइकिल के फोर मेन स्टेज़स कौन से होते हैं स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको लाइफ साइकिल का बताती हूँ कि लाइफ के क्या होता है जब हम एक सीड को प्लांट कर देते हैं एक सीड को हम किसी मॉइस्ट सॉइल में वो सॉइल वो ज़मीन जो कि मॉइस्ट हो जिसमें नमी हो वहाँ पर हम सीड को रख देते हैं प्लांट कर देते हैं सीट को प्लांट करने से लेकर जब तक वो एक पूरा फ्लावर नहीं बन जाता एक पूरा फुली ग्रोन प्लांट नहीं बन जाता उस टाइम तक उसकी पूरी लाइफ में जितनी भी चेंजिंग्स होती हैं वो सब उसके लाइफ साइकिल में आती हैं अब उसके पूरे लाइफ साइकिल को उसकी पूरी सीड्स से लेकर पूरे फुली ग्रोड प्लांट बनने तक जितने भी चेंजिंग्स आते हैं जो भी उसका लाइफ साइकिल होता है उसको फोर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है और वो फोर स्टेजेस कौन से हैं द फर्स्ट स्टेज इज़ सीड पहला स्टेज है सीड जब हम सीड को प्लांट कर देते हैं किसी मोइस्ट सॉइल में किसी नमी वाली ज़मीन में उसको प्लांट कर देते हैं और जब उसको उसकी रिक्वायर्ड क्वान्टिटी में फ़ूड वाटर और जो बेसिक उसके न्यूट्रिएंट्स हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन वो उसको मिलते रहते हैं तो उसकी ये छोटी सी यूँ शूट बनना शुरू हो जाती है बट इट इज़ नॉट द सेकेंड स्टेज सेकेंड स्टेज इज सीड विद रूट्स एंड शूट्स जब सीड की रूट्स बन जाती हैं रूट्स निकल आती हैं और उसकी शूट बन जाती है जो कि उसका सेकेंड स्टेज यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है आप देख सकते हैं कि रूट्स यहाँ पर उसकी सारी उसी सॉइल में मोइस्ट सॉइल में स्प्रेड हो चुकी हुई हैं और वो अर्थ के सरफेस को ब्रेक करके बाहर आ चुका हुआ है वो सीड उसकी पूरी ये शूट भी बन चुकी हुई है ये इसका सेकेंड स्टेज है अब ये जब बाहर आ गया सो इट कैन बी मूव ईजिली वो ईजिली मूव कर सकता है और इसको सन भी डायरेक्टली सन से प्रोवाइड होगी नाउ द थर्ड स्टेज इज begins द थर्ड स्टेज इज विद लीव जब प्लांट पर लीव्स बन जाते हैं अब जैसे कि ये बाहर आ गया दिस पार्ट ऑफ अ प्लांट इस कार्ड स्टेम ये जो यहाँ से यूँ होता है ये इसका स्टेम होता है रूट्स इसकी स्प्रेड हुई हुई है अब ये रूट्स सारी फूड को जो इस सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो भी वाटर इसके अंदर होगा वो सब रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी और वही फूड और वही वाटर वो इसके यहाँ से स्टार्ट होकर रूट से लेकर उसके टॉप तक पूरे प्लान्ट को प्रोवाइड करेंगी सनलाइट उसको डायरेक्ट सन से प्रोवाइड होगी जब उसको इसकी बेसिक थिंग्स मिल रही होंगी तो उस पर लीव ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल उसके ऊपर लीव ग्रो होना शुरू हो जाएंगे ये इसका थर्ड स्टेज है एंड देन द लास्ट स्टेज इज़ बिगिन प्लांट विथ फ्लावर्स जब प्लांट पर फ्लावर्स बनना शुरू हो जाते दिस इज़ द लास्ट स्टेज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब एक फुली ग्रोन प्लांट बन गया एक पूरा प्लांट ग्रो कर चुका हुआ है इस पर फ्लावर्स लग चुके हुए हैं क्योंकि इसकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हुई हैं जो भी इसके स्टेप्स है वो सब कंप्लीट हो चुके हुए हैं और हमें फुली ग्रोन प्लांट मिल गया है ना मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज जर्मिनेशन कि जर्मिनेशन क्या होती है जर्मिनेशन इज़ वेन अ सीड और स्पोर स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड बिकम्स अ प्लांट मतलब कि जर्मिनेशन वो है कि जब हम किसी सीड को या स्पोर को सीड फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए और स्पोर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जब हम सीड को या स्पोर्स को ग्रो करने के ग्रो करने के लिए उसको मोइस्ट सॉइल में प्लांट कर देते हैं मतलब कि जब हमने सीड को और स्पोर को प्लांट कर दिया प्लांट करने से लेकर उसके पूरे एक प्लांट बनने तक तो जो भी पूरा प्रोसेस होगा वह उसका प्रोसेस जर्मिनेशन कहलाता है इन ईजी वर्ड्स आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए यहाँ से ले यहाँ तक सीड को प्लांट करने से लेके फुली ग्रोन प्लांट बनने तक जो भी इसका पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं